हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे एक और काफी कमाल के अपडेट के बारे में, जो कि है एवेंजर 5 से रिलेटेड। जी हाँ, केविन फाइगी ने अभी हाल ही में IGN में इंटरव्यू दिया और देन उस दौरान उन्होंने काफी सारे अपडेट दिए जो कि अपकमिंग स्टार वॉर से रिलेटेड थे, मार्वल से रिलेटेड थे और देन अपकमिंग डिज्नी प्लस की टीवी सीरीज से भी रिलेटेड थे। पर सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें अपडेट मुझे मिला वो था एवेंजर 5 से रिलेटेड। केविन फाइगी ने ये बोला कि एवेंजर 5 100% डेफिनेटली बनेगी, पर कुछ पॉइंट्स पर। अब उनका कहने का मतलब क्या था कि सम पॉइंट्स, उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि कुछ पॉइंट्स पे बनेगी। एक्चुअली में उन्होंने ऐसा इसलिए बोला कि मार्वल स्टूडियो फेज 4 है, वो वर्क कर रहा है नए सुपर हीरोज पर, उनकी नई अपकमिंग टीवी सीरीज पर, उनके कैरेक्टर्स पर, उनकी स्टोरीज पर। जी हाँ, आप सभी जानते हो कि मार्वल फेज 4 में काफी सारी टीवी सीरीज मूवीज आ रही हैं, जिसमें कि वांडा विजन देख लो, आर्मर वॉर देख लो, आयरन हार्ट देख लो और देन शी हल्क देख लो, मून नाइट देख लो, और भी बहुत सारी टीवी सीरीज है। उनकी स्टोरी पर और देन उनके लाइव एक्शन वर्जन पे काम करेगा मार्वल स्टूडियो फेज 4। और जब कोई पॉइंट बनेगा देन कोई स्टोरी अच्छी सी समझ में आएगी और देन जब सारी टीवी सीरीज एक दूसरे से कनेक्ट होंगी तब जाके एवेंजर्स 5 आएगी। पर जिस हिसाब से कोविड चल रहा है, मूवी डिले हो रही है, मुझे लगता है कि हमें एवेंजर्स 5 अराउंड 2024 या 2025 में ही देखने को मिलेगी। तो गाइस, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।